तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। ये आपके पास त्रिभुज दी गई है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना, साइन ए कॉस ए, सेकंड क्या करना, साइन सी कॉस सी, तो ठीक है। तो लिखेंगे पहले, दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब दो चीज़ दी हो तो तीसरी निकालने के लिए, तो हम इसके लिए कौन से, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय द्वारा हल करने पर, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय लिखेंगे आप, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्केयर, ठीक है। तो ये कर्ण आपके पास ये है, और आधार आपके पास बी सी है, और लंब क्या आपके पास ए बी, ठीक है। तो कर्ण क्या आपके पास ए सी, ए सी, ए सी स्केयर इज इक्वल टू आधार कितना दिया आपके पास बी सी, और लंब है आपके पास ए बी स्केयर। अब ए सी आपके पास नहीं दिया, आपने फाइंड आउट करना है, तो ए सी का ए सी एज इट इज लिखना है। अब बी सी की वैल्यू आपके पास दी गई है कितनी, 7, तो फिर ए बी की वैल्यू कितनी दी आपके पास 24, ठीक है। तो इसका अंडर रूट क्या है, अब ए सी एज इट इज रखना है, ब्रैकेट खोलना, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 7 × 7 = 49, प्लस 24 का होगा 24 × 24 = 576, ठीक है। अब ए सी स्क्वेयर, अब इसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ये हुआ 625, ठीक है। अब इस स्क्वेयर को हटाने के लिए क्या लगेगा, इस पे अंडर रूट लगेगा, ठीक है। इस स्क्वेयर को हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम, इस पर अंडर रूट क्या होगा, 625। तो 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25 25 625, तो इसका अंडर रूट कितना आया 25, ठीक है। तो 625 का अंडर रूट है 25, तो ए सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 25, तो ए सी की वैल्यू इस 25 है, ठीक है। अब लिखेंगे, ठीक है, अब ए सी की वैल्यू 25 है। अब हमने निकाल फाइंड आउट करने को क्या बोला, साइन ए, ठीक है, पहला क्या बोलता है, अब हम साइन ए निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको कैसे निकलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ, कोसिकेंट हुआ, सिकेंट, और ये हुआ कोटेंजेंट, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पी बटे एच, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बटे एच, ठीक है। अब पी बटे एच, पी क्या था, परपेंडिकुलर, ठीक है, पी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 24, और एच क्या होता है, हाइट, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 25, हाइट 25 है। अब क्या बोला, साइन सी नहीं कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस, कॉस कैसे निकलता है, बी बटे एच, बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच कैसे, बेस कितना है आपके पास 7, और हाइट कितनी है आपके पास 25, 7/25, ये पहला था। अब सेकंड क्या बोला आपको, कॉस ए, कॉस सी, कॉस सी, कॉस कैसे निकलता है,
कॉस देखिए, कॉस बी बटे एच, इसका ख्याल रखना है, बी बटे एच, ठीक है। बेस कितना आपके पास, 7, और हाइट, हाइट कितनी है, 25। फिर बोला था साइन, क्या बोला है, साइन सी, साइन सी बोला, साइन का देख, साइन कैसे मतलब पी बटे एच, एच वोट सॉरी पी बटे एच, हाँ पी बटे एच, पी क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 24, और हाइट कितनी है आपके पास 25। तो ये आपके क्या है, आंसर आए दो, ठीक है, साइन ए, कॉस सी, साइन सी, ठीक है, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का।